हम इस वक्त रायपुर के दलदल सिवनी इंदिरा स्मृति वन में मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे यहां स्थिति है। देखिए कि देख रेख के अभाव में ये पूरी तरह से खंडहर नुमा हो चुका है और जो शेड बनाए गए हैं यहाँ बैठने के लिए प्रतीक्षाला टाइप का जो बनाया गया है वो भी पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। यहाँ कई लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, भैया हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से यहाँ समस्याएं हो रही है, कब से ये स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजेंद्र शुक्रवा। भैया कब से ये ऐसा स्थिति बना हुआ है, यहाँ साफ सफाई कब से नहीं हो रही? वैसे तो ये स्थिति काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। सन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा इस गार्डन का शुभारम्भ किया गया था और उससे कुछ वर्ष बाद ही स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन 2018 के आसपास जब भाजपा सरकार बनी थी, जो ईंटें वीटें बनी हुई है इसका निर्माण किया हुआ था, लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में ये गार्डन ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसे ये कहा है कि निगम की उदासीनता, प्रशासन के रवैये के कारण ये गार्डन एकदम खंडहरनुमा बन चुका है। लेकिन इस गार्डन को अपन चाहे तो बहुत भव्य सुंदर अपन बना सकते हैं, क्योंकि गार्डन का जो एरिया है 70 एकड़ में फैला हुआ है, तो हम चाहे तो इसको ऑक्सीजन से बेटर कर सकते हैं यहाँ की जनता के लिए। भैया ये गंदगी पसरा हुआ रहता है, साफ सफाई के लिए कैसे करते होंगे आप? मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं? हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर हैं, हम लोग एक अभियान चलाए थे बीते हुए कुछ 5-6 महीने में, जो यहाँ पर जंगल झाड़ी दिख रही है, जंगल झाड़ी थी उसको हम सब मिलकर बस साफ किए हैं। तो कम से कम ये व्यवस्था तो बनी हुई है, हम लोग सुबह सुबह यहाँ से वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोपहर बाद और शाम को यहाँ का जो माहौल होता है बहुत ही ख़राब हो जाता है। असौचित्व के लोग आके यहाँ पे शराब वराब सब चीज़ और जो क्रियाकलाप में करके थोड़ा सा माहौल यहाँ ख़राब करते हैं। तो मेरा सरकार से और निगम से यही अनुरोध है कि यहाँ पर ध्यान दें और इस गार्डन को अच्छे से और कार्य करें। देखिए ये इस इंदिरा गांधी स्मृति वन है और यहाँ न ही 5 साल जब कांग्रेस की सरकार ही तब ध्यान दिया गया और न ही अब बीजेपी की सरकार है तो ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड पर पहुँच करके हम यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं। हमारे साथ दादा भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पर कब से आ रहे हैं? मैं ये जब से मतलब ये पार्क का ये रास्ता वगैरह नहीं बना था उसके पहले ही से आ रहा हूँ, जब स्मृति वन था, मतलब ये पार्क नहीं था, ये एक्चुअली ये अम्बुजमेंट पार्क के नाम से मतलब पेपर में निकला था। बहुत सारे सुविधाएं देंगे बोला था लेकिन कुछ नहीं। इधर गेट बना है, गेट के आने का कोई रास्ता उसको बना नहीं, इधर भी 3 गेट है और सब तोड़ फोड़ के मतलब आदमी कहीं भी गाय भैंस सब घुस जाते हैं, सब गंदगी करते हैं। और हम लोग जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उन लोग मिल के ये पूरे रास्ता साफ़ किया। आपने कई पहले भी देखा होगा, पहले भी कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा या पेपर में भी आया होगा, यहाँ के हम लोग जो आते हैं घूमने के लिए उन्हीं लोग मिल के साफ़ सफाई करते हैं तभी जाके होता है। और ये जो योगा करने का जो शेड बना है वहाँ पहुँचने का भी कोई रास्ता नहीं है, बरसात में पानी भर जाता है तो आदमी वहाँ तक जा नहीं सकता है। तो ये है मतलब। और ये जो ये लगा है ये ईटा पाप क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो ये ब्रिक्स वगैरह जो लगा है ये क्या है, साथ साथ लगा दिए और ये नीचे अभी दब गया है और रास्ता मतलब पूरे ख़राब हो गया है। कोई रास्ता बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ऊंच नीच सब है, मतलब कोई और इसके तरफ प्रति कोई ध्यान भी नहीं देते। हम लोग अगर साफ़ सफाई नहीं करते तो मतलब यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता, यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत निकलता है। तो ये हम ही लोग करते हैं, हम लोग आते हैं, हाँ निकलता है, मैं खुद देखा हूँ, इतना बड़ा एक सांप कम से कम 5-6 फीट का मैं वो वहाँ पे मेरे सामने ही देखा है। तो सरकार के यही निवेदन है यार, निगम से यही निवेदन है कि इस पार्क के तरफ ये हमारी इस एरिया में आसपास के एरिया में मिला के ये कि यही पार्क है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ चलने के लिए सवेरे मॉर्निंग के लिए शाम को। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसके वो मतलब सुधार किया जाए और ये जो तोड़ फोड़ करके मतलब जाली को काट के ले गए और ये करके इसको सुधारा जाए, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, हाँ सुरक्षा के लिए यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं भी कोई ये मतलब चोरी हो जाता है, जाली वगैरह चोरी हो गया कई बार, पहले तो वहाँ लगाए थे वो सब चोरी हो गया, फिर बाद में ये नेट वाला लगाए,
तो ये सरकार के तरफ से, सरकार को और मतलब निगम को हमारी यही प्रार्थना है कि इसके तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे आसपास के जो निवासी लोग इसको मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। देखिए लोगों के सुविधा के लिए तो ये पार्क बना दिया गया है, लेकिन इसके हाल में ही छोड़ दिया गया है, लिहाजा ये खंडहर नुमा बन चुका है। और यहाँ की स्थिति आपको दिखाता हूँ पुनः कि देखिए झाड़ियों में तब्दील हो गया है ये गार्डन। और कहा जाता है कि गार्डन बनता है तो आसपास के लोगों को मॉर्निंग वॉक या कई तरह से सुविधाएं मिलती है, और यहाँ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है, ये यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं। और हम ये रिपोर्ट आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि तस्वीरों में देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से यहाँ स्थिति बनी हुई है। मैं हूँ आपके साथ सूर्यप्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। नमस्कार।